दोस्तों आज मैं आपको पतंजलि अश्वशिला कैप्सूल्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कैप्सूल्स को किन किन लोगों को यूज करना चाहिए, किन किन चीजों के लिए यूज करना चाहिए, इनकी प्राइस, इनसे संबंधित सावधानियां और इनके साइड इफेक्ट्स, इन सभी के बारे में जानकारी है वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। दोस्तों पतंजलि की ओर से बहुत सारे कैप्सूल उतारे गए हैं जिनमें अश्वगंधा, शिलाजीत और अश्वशिला है वो उनमें से मुख्य है। आज की वीडियो में अश्वशिला से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है वो 70 रुपए है और इस पैकेट में आपको टोटल 20 कैप्सूल्स है वो अश्वशिला के देखने को मिलते हैं। अगर बात करें पैकिंग की तो नॉर्मल कैप्सूल्स की तरह इनको तैयार किया गया है और अगर आप इनको यूज करते हैं तो इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो नॉर्मली 2 साल रहती है। MFG डेट से 2 साल तक ये खराब नहीं होते हैं। दोस्तों अगर बात करें इनके इंग्रेडिएंट्स की यानी कि किन किन चीजों को मिलाकर इन कैप्सूल्स को बनाया गया है तो दोस्तों इन कैप्सूल्स की डिटेल में आपको देता हूं कि अश्वशिला, अगर नाम को दोस्तों देखें तो एक तरफ अश्व है दूसरी तरफ शिला, यानी कि अश्व का मतलब है अश्वगंधा और शिला का मतलब है शिलाजीत, दो जो पावरफुल हर्ब्स है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमने अश्वगंधा से संबंधित भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिनकी लिंक ऊपर कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पर जाकर आप अश्वगंधा के उपयोग, साइड इफेक्ट्स वगैरह सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने शिलाजीत कैप्सूल्स के बारे में और शिलाजीत के बारे में भी वीडियोस बनाई है जिनको भी आप लिंक्स में जाकर देख सकते हैं। तो वहां पर मिली जानकारी से आपको पता ही होगा कि अश्वगंधा और शिलाजीत बहुत ही पावरफुल हर्ब्स हैं हमारे आयुर्वेद के अनुसार और इन पावरफुल हर्ब्स को शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अश्वगंधा मतलब घोड़े की जैसी ताकत के लिए अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों को मिलाकर अश्वशिला को बनाया गया है, यानी कि दोनों के गुणों को साथ में मिलाकर अश्वशिला नामक ये कैप्सूल हैं वो बनाए गए हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें 200 mg अश्वगंधा मिलता है और 200 ही शिलाजीत मिलता है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया गया है, इनके एक्सट्रैक्ट्स हैं वो इसमें मिलाए गए हैं। अगर बात करें दोस्तों कि इन कैप्सूल्स को आपको यूज कैसे करना है तो यूज करने के लिए आपको, आप दिन में अगर आप एडल्ट हैं यानी कि 18 से ऊपर हैं तो आपको 2 कैप्सूल आप यूज कर सकते हैं दिन में। दोस्तों ध्यान रखिएगा विंटर सेशन यानी कि आप सिर्फ सर्दियों में ही 2 कैप्सूल यूज करें, गर्मियों में सिर्फ 1 ही कैप्सूल यूज करना अच्छा रहता है। और साथ में ही इनको यूज करने के लिए आप पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं और साथ ही आप मिल्क के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि इनको लेने के बाद आप ऊपर दूध पी सकते हैं 1 गिलास। दोस्तों ध्यान रखें कि गुनगुना है पानी वो होना चाहिए, ज्यादा ठंडा पानी न पिए। पानी के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं तो गुनगुना पानी होना चाहिए। अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं तो ज्यादा लंबे टाइम तक यूज मत करें, 2 महीने ही आपको यूज करना है, उसके बाद थोड़ा दिन गैप देकर फिर यूज करना है। अगर उम्र की बात करें तो दोस्तों उम्र में आपको कहूंगा कि उम्र अगर आप एडल्ट हैं 18 से ऊपर हैं तो आप इनको ले सकते हैं, लेकिन अगर 17 हैं तो भी ले सकते हैं, 16 हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन 16 से कम उम्र है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों बेनिफिट्स की बात करें कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, दोस्तों जो भी चीज़ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं उनके बेनिफिट्स हमको जानना सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि फायदे क्या क्या होते हैं। अश्वशिला के बहुत सारे फायदे हैं और खास करके ये फायदे पुरुषों के लिए देखने को मिलते हैं। फिर रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ पुरुष ही इसको यूज करें, हालांकि कुछ वीडियोज में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि महिलाएं इसको यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ पुरुषों को यूज करने की सलाह दूंगा। महिलाओं के लिए शतावरी है वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट रहता है और इससे संबंधित भी हमारे खूब सारी वीडियोज हैं जिनको आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अश्वशिला कैप्सूल्स के बेनिफिट्स की तो सबसे जो पहला बेनिफिट आता है वो है शारीरिक कमजोरी को लेकर। अगर किसी को थकान महसूस होती है, दुर्बलता महसूस होती है, चक्कर आने जैसा कभी कभी महसूस होता है, या शरीर में एनर्जी की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, कुछ करने का मन नहीं होता और शरीर एकदम से कमजोर और थकावट भरा होता है, तो उनके लिए आप अश्वगंधा यूज कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, शारीरिक दुर्बलता है, तो आप इनको यूज करके अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। अश्वशिला कैप्सूल्स में जो 2 हर्ब्स है, अश्वगंधा और शिलाजीत, इन दोनों का काम ही है शरीर को ताकतवर बनाना। दूसरा जो बेनिफिट है वो है मेंटल पावर बूस्टर के रूप में। अगर किसी को तनाव रहता है, मानसिक कमजोरी रहती है, तो भी वो इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन कैप्सूल से आपकी क्या है, स्लीप है जो, यानी कि नींद है, वो आपको परफेक्ट आएगी, इनफ नींद आएगी। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो वो इन कैप्सूल्स को ले सकता है और नींद जैसे आएगी वैसे ही दिमाग है वो भी अच्छी तरीके से काम करेगा और मेंटल पावर है वो भी बढ़ेगी। तीसरा जो फायदा है वो सबसे इसका मेन फायदों में से एक है और वो है करने को लेकर, पुरुषों में है तो भी वो इसको यूज कर सकता है और इसके साथ में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्दी बनाने में काम करते हैं। अगर कोई शिकार है तो वो भी इसको यूज कर सकता है। चौथा बेनिफिट है वो वजन को लेकर आता है। सबसे
मेन बात रहती है कि वजन को मेंटेन कैसे रखे। दोस्तों शिलाजीत है वो वजन को कम करने में उपयोगी रहता है, जबकि अश्वगंधा है वो वजन बढ़ाने में उपयोगी रहता है। इन दोनों को अगर साथ में यूज करते हैं तो अपना वजन है वो एकदम से मेंटेन रहेगा। अगर किसी का वजन ज्यादा है, कम है, बढ़ता घटता रहता है, तो भी वजन मेंटेन करने के लिए ये कैप्सूल्स काम में आते हैं। पांचवे बेनिफिट पर आते हैं, और पांचवा बेनिफिट है जॉइंट्स पेन को लेकर। बोन्स को मजबूत करने में ये अश्वशिला कैप्सूल है वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर किसी को जॉइंट्स पेन रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। साथ ही अगले बेनिफिट की बात करें तो अगर किसी को वात या कफ संबंधित रोग है, वात या कफ डिसऑर्डर संबंधित किसी को रोग है, तो भी वो इसको यूज कर सकते हैं। वात रोग वाले दूध के साथ यूज करें, और कफ रोग वाले हैं वो वाटर के साथ यानी कि पानी के साथ इसको यूज करें। अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को लेकर बात करें, मतलब रोगों से लड़ने की जो शरीर की क्षमता होती है उसको बढ़ाने को लेकर बात करें, तो भी यह अच्छी तरीके से काम करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।